क्या बिग बॉस के घर से सुम्बुल के साथ शिव का भी हो जाएगा पत्ता साफ? क्या सुम्बुल नहीं शिव जा रहे हैं घर से बेघर? चलिए आपको ही बताते हैं कि वीकेंड के वार के प्रोमो में ऐसा क्यों कहा गया कि शिव ठाकरे हो गए हैं बिग बॉस से विक्ट। दूसरी तरफ कुछ बड़े बड़े पोर्टल्स मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि सुम्बुल हो गई है घर से इविक्ट। तो आज के इस वीडियो में ना पूरी सच्चाई से पर्दाफाश करेंगे कि कौन हुआ है बिग बॉस से विक्ट, क्यों शिव ठाकरे को कहा गया कि मिले हैं लोएस्ट वोट। तो इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों ये वीकेंड की वार को होस्ट कर रहे करण जौहर ने सुम्बुल को और स्टैन और शिव ठाकरे के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन शेयर किया। सबसे पहले तो कोर्ट रूम में शिव ठाकरे को खड़ा किया, बाद में शिव को यह भी कह दिया गया कि शिव ठाकरे को मिले हैं सबसे लोवेस्ट वोट। क्या वाकई शिव हो गए हैं बेघर? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की स्ट्रेटजी है। प्रोमो को ऐसा बनाया गया है, इंटरेस्टिंग बनाया गया है। इस वीकेंड जो है वो शिव नहीं सुम्बुल हुई हैं नॉमिनेट, इस वीकेंड वो शिव नहीं सुम्बुल हुई हैं एलिमिनेट। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मिड नाइट इक्वेशन भी हो सकता है जहाँ पर शिव ठाकरे का तो नॉट एवर चांसेस, शिव ठाकरे डेफिनेटली टॉप थ्री में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो चांस बनता है वो बनता है एमसी स्टैन का। तो आने वाले दिनों में एमसी स्टैंड का भी पत्ता साफ हो सकता है। फिलहाल के लिए तो सुम्बुल तो आखिर कहां हुई है बिग बॉस से इविक्ट। बहुत ही जल्दी इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या ये वोटिंग के आधार पे वाकई सुम्बुल को निकाला गया है या फिर ये बिग बॉस की साजिश है जिसको एक बार फिर फैंस के ऊपर थोपा गया है। लिखिएगा जरूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।